मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उससे भी अधिक धन्यवाद मैं आप लोगों का करता हूं जो यहां पर आज उपस्थित हैं। जो ये पूरा वाकया हुआ, दुर्घटना हुई, सर ने कहा कि कुछ मेरा रोल था, मैं समझता हूं कि मेरा जो रोल है उसमें नगण्य था, और इसकी पूरी इस पूरी मूवमेंट की, जैसा कि सर ने, विनोद जी ने भी अभी कहा था, इस पूरी मूवमेंट की जो नींव रखी और जो इसे चलाया है, उसके लिए मैं वरुण ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा धन्यवाद मैं डॉक्टर बीरबल झा का करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरी घटना को एक मूवमेंट का स्वरूप दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत दिन नहीं हुए, 2015 में एक बच्चा था देवांश, वसंत कुंज, यही रायन स्कूल वसंत कुंज में एक घटना हुई थी जिसमें उस बच्चे की कुछ ऐसी ही सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई थी, और मैं एक पीआईएल उस समय कर रहा था। उस समय भी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, और इसीलिए मैं गाइडलाइंस के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। उस समय भी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए कि इस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार से कार्य होना चाहिए, लेकिन उस समय भी कोर्ट ने यह भूल करी कि उन्होंने किसी मैनेजमेंट के व्यक्ति को या मैनेजमेंट को ना तो फाइनेंशियली और ना ही किसी अन्य रूप से रिस्पॉन्सिबल जाहिर किया। अगर वह उस समय 2015 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, उन्होंने गाइडलाइन भी कहीं ना कहीं फ्रेम करी, लेकिन किसी व्यक्ति को, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं करार किया, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं लगाई, शायद इसीलिए ऐसी घटना जो है प्रद्युम्न के साथ हो पाई। हम सबका रोल इसमें इसलिए बहुत जरूरी है कि एक देवांश को खोकर हम नहीं जगे, इसीलिए एक प्रद्युम्न की घटना हुई। लेकिन अगर इस प्रद्युम्न की घटना के बाद भी हम नहीं जगे, तो अगला नंबर आपके बच्चे का है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब इसमें साथ आए, एक रिलायबल, एक विश्वास परस्त संस्था जो है इससे बनकर उभर कर आई है, और कहीं ना कहीं सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, इससे मदद मांग सकते हैं। एक हमारे पास एक पेरेंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने मदद मांगी है, और ऐसे कई भी पेरेंट चाहे देश के किसी भी कोने में हो। और सर ने भी जैसे कहा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी कौन सी संस्था हो, या ऐसा कौन सा फोरम हो जहां पर पेरेंट्स जा सकें, तो मेरा जवाब उसके लिए ये होगा कि प्रद्युम्न फाउंडेशन ऐसी वो संस्था हो जिसके पास लोग जा सकें। और यह संस्था जो है, संस्थान जो है, डॉक्टर बीरबल झा डॉक्टर और वरुण ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी पेरेंट्स की मदद के लिए सामने आएगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथ आने के लिए और इस मूवमेंट में को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।